Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. So welcome back to my channel. So in today's video I'm going to share how I created this beautiful makeup look. So this makeup look is for upcoming Eid festival. So this look is very easy and very affordable, so you can easily create this look on that day. So if you're liking this makeup look, then do consider subscribing my channel for more such kind of videos. Okay, so without wasting any more time, let's begin with this tutorial now. So first I'm using this Pond Super Light Moisturizer. ये काफ़ी अच्छा moisturizer है, काफ़ी ज़्यादा light weighted है, तो इससे मैं अपने face को अच्छे से moisturize कर लूँगी. And next I'm gonna use this Neutrogena Ultra Sheer SPF 50 sunscreen. So ये sunscreen भी काफ़ी ज़्यादा light weighted है, तो आपको आपका makeup base जो है इतना heavy नहीं लगेगा. तो sunscreen को भी मैं इस तरह से dot dot करके अपने पूरे face पर एंड neck पर apply कर लूँगी. And next for the primer, I'm using this NY Beka Yellow Tinted Primer. So ये color correcting का भी काम करता है, तो इसे मैं इस तरह से अपने T-zone areas पर apply कर लूँगी. And ये बहुत अच्छा एक smooth surface provide करेगा foundation के लिए. And next for the foundation, I'm using this Maybelline Fit Me Foundation in the shade 220. तो foundation को मैं इस flat brush की help से apply कर लूँगी अपने face पर and neck पर. एंड देन मैं इस तरह के ब्यूटी स्पंज की हेल्प से फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी. सो फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से आप फाउंडेशन को ब्लेंड करोगे, आपका मेकअप बेस उतना ज़्यादा फ्लॉलेस दिखेगा. सो मैं इस तरह से डैब डैब करके फाउंडेशन को अपने फेस पर एंड नेक पर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. नेक्स्ट फॉर द कंसीलर, आई एम यूजिंग माई फेवरेट स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर इन द शेड मीडियम बेज. सो कंसीलर को भी मैं इस तरह से अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. एंड देन मैं सेम ब्यूटी स्पंज की हेल्प से कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. एंड नेक्स्ट फॉर द आईब्रो डिफाइनिंग, आई एम यूजिंग दिस मार्स कॉस्मेटिक का पैलेट एंड इस तरह का पेंसिल ब्रश. तो पहले मैं डार्क ब्राउन कलर से अपने आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लूँगी. एंड देन मैं सेम कंसीलर की हेल्प से आईब्रोज को क्लीन कर लूँगी. एंड देन कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए मैं इस तरह के स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी. एंड देन मेकअप बेस को सेट करने के लिए आई एम यूजिंग दिस इनसाइड कॉस्मेटिक का बनाना लूज पाउडर. तो लूज पाउडर को भी मैं सेम ब्यूटी स्पंज की हेल्प से इस तरह से डैब डैब करके अप्लाई कर लूँगी. इस तरह से अप्लाई करने से मेकअप बेस जो है वो काफ़ी अच्छे से सेट हो जाता है. एंड देन मैं इस तरह की फ्लफी ब्रश की हेल्प से एक्सेस पाउडर को अच्छे से डस्ट आउट कर दूँगी. सो नेक्स्ट फॉर द आई शेडो, फर्स्ट आई एम यूजिंग दिस मार्स कॉस्मेटिक का 15 शेड आई शेडो पैलेट. एंड इसमें से मैंने इस डार्क पिंक कलर को पिक किया है. एंड इसको मैं एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से अपने क्रिस एरिया पर अप्लाई कर रही हूँ. सो मैंने फर्स्ट कलर को सिर्फ अपने क्रिस एरिया पर अप्लाई किया है इस तरह से ड्रैग करते हुए. एंड इसके बाद मैंने इस तरह का स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लिया है. एंड इससे मैं फर्स्ट कलर को अपने क्रिस एरिया पर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. एंड इसे आपको तब तक करते रहना है जब तक कि कलर अच्छे से ब्लेंड ना हो जाए. एंड इसके बाद मैंने सेम पैलेट से इस डार्क ब्राउन कलर को पिक किया है. एंड इस कलर को मैं अपने क्रिस एरिया से थोड़ा नीचे अप्लाई कर रही हूँ, जहाँ मुझे क्रिस ड्रॉ करना है. एंड देन मैं इन दोनों कलर को आपस में अच्छे से मर्ज कर लूँगी. एंड देन कट क्रीज ड्रॉ करने के लिए मैं सेम कंसीलर को यूज़ कर रही हूँ. सो कट क्रीज ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा पेशेंटली करना पड़ता है. सो मैंने इस तरह का फ्लैट ब्रश यूज़ किया है कट क्रीज ड्रॉ करने के लिए. एंड नेक्स्ट मैं पिंक एंड ब्राउन कलर को लेकर अप्लाई कर रही हूँ अपने आउटर कॉर्नर पर. तो मैंने इन दोनों कलर को आपस में मिक्स करके अप्लाई किया है. एंड आफ्टर दैट आई एम गोना यूज़ दिस हिलेरी रोडा का 16 शेड आई शेडो पैलेट. एंड इसमें से मैंने इस ब्लू कलर को पिक किया है. एंड इसे मैं अपने पूरे आईलिड एरिया पर अप्लाई कर रही हूँ. एंड फॉर द एप्लीकेशन मैंने इस तरह का फ्लैट ब्रश यूज़ किया है. एंड इसे मैं इस तरह से अप्लाई कर लूँगी. एंड आफ्टर दैट आई एम गोना यूज़ दिस लिक्विड ग्लिटर फ्रॉम स्विस ब्यूटी. एंड इसे मैं अपने आईज के इनर कॉर्नर्स पर अप्लाई कर लूँगी इस तरह से. एंड नेक्स्ट फॉर द आईलाइनर, आई एम यूजिंग दिस मार्स कॉस्मेटिक का पेन आईलाइनर. एंड इससे मैं एक थिन लाइन ड्रॉ करूँगी अपने लैश लाइन पर, और इससे मैंने एक हल्का सा विंग भी ड्रॉ किया है. नेक्स्ट फॉर द मस्कारा, आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन हाइपर फ्लॉर वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा. एंड इसे मैं अपने लैशेज पर एक सिंगल कोट करूँगी इस तरह से. नेक्स्ट फॉर द काजल, आई एम यूजिंग दिस LA 10 का काजल पेंसिल. एंड इसे मैं अपने वाटर लाइन पर इस तरह से अप्लाई कर लूँगी. एंड आफ्टर दैट मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से मेकअप बेस को एक और बार सेट कर लूँगी इस तरह से. एंड नेक्स्ट फॉर द ब्लश, आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी का ब्लशर पैलेट. एंड इसमें से मैंने ये कोरल शेड को पिक किया है. एंड इसे मैं अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रही हूँ. एंड नेक्स्ट फॉर द लैशेज, आई एम यूजिंग दिस फॉक्स मिंक आई लैशेज फ्रॉम कैलाइलस.
एंड लैशेज को भी मैं इस तरह से अप्लाई कर लूँगी अपने आईज पर. एंड नेक्स्ट अगेन आई एम यूजिंग दिस इनसाइड कॉस्मेटिक का बनाना लूज पाउडर, एंड इससे मैं इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करूँगी. इससे फेस जो है काफ़ी ज़्यादा अपलिफ्टेड लगता है और ये फेस को एक शार्प इफेक्ट देता है कॉन्टोर की तरह. एंड नेक्स्ट फॉर द हाईलाइटर आई एम यूजिंग दिस हाईलाइटर फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड, एंड इससे मैं अपने फेस के हाई पॉइंट्स को अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी लाइक नोज, चीक्स एंड फोरहेड. एंड आफ्टर दैट मैं पाउडर को इस फ्लफी ब्रश की हेल्प से इस तरह से डस्ट आउट कर दूँगी. सो नाउ यू कैन क्लियरली सी द रिजल्ट. सो लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले मैं अपने लिप्स को इस तरह से आउटलाइन कर लूँगी. सो इसके लिए मैं स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ. एंड नेक्स्ट फॉर द लिपस्टिक आई एम यूजिंग दिस लिक्विड लिपस्टिक फ्रॉम मेबेलिन. सो इस लिपस्टिक का कलर मॉव ब्राउन कलर है, पर ये रेडिश टोन में दिख रहा है क्योंकि मैंने इसे लिप लाइनर के ऊपर अप्लाई किया है. सो या एंड नेक्स्ट फॉर द ज्वेलरी आई एम वेयरिंग दिस टाइप ऑफ झुमका इयररिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है. एंड लास्टली आई एम यूजिंग दिस मेकअप फिक्सर फ्रॉम स्विस ब्यूटी, तो इसे मैं अपने फेस पर इस तरह से अप्लाई कर लूँगी एंड मेकअप को अच्छे से सेट कर लूँगी. सो ये मेकअप फिक्सर सूखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहा था बट फाइनली ये सूख गया. सो या दिस इज़ द फाइनल लुक फॉर द ईद फेस्टिवल. आई होप आपको ये कम्प्लीट लुक पसंद आ रहा होगा, स्पेशली दिस आई लुक, क्योंकि मैंने इस आई मेकअप को क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत किया है. सो आई जस्ट होप यू आर लाइकिंग इट. So if you're liking this Eid makeup look, then please make sure to consider subscribing my channel and press the bell icon to get notified every time when I upload new video. So yeah, I'll see you in my next video. Till then, take care and bye-bye.